Assalamu alaikum everyone, this is Ahad al-Zameer. Go grab your tickets for Parvaz-e Junoon, which is coming out this Eid al-Azha. सिद्रा क्या हो गया? हाँ वो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है. मैकेनिक को कॉल किया है मैंने, आता ही होगा. तुम्हें घर जाना है? नहीं काशी, मैं चली जाऊंगी. कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बैठो. काशी तुम्हें खुशखबरी सुनानी है. तानिया को जाकर सुनाओगे ना तो खुशी से नाच उठेगी. अच्छा ऐसी कौन सी खास बात है जो मैं तानिया को सुनाऊंगा और वो खुशी से नाच उठेगी? अगले महीने मेरी शादी है. बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें. थैंक यू. तुम दानिया को बोलो ना कि अब सारे गिले शिकवे दूर कर दे. मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको पर्सनली जाके इनवाइट करके आऊं. सिद्रा वो नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि तुम भी तो नहीं आई थी हमारी शादी पे. अब हम भी बदल लेंगे यार. मेरे ना आने से तुम लोग की शादी हो गई थी ना, तो तुम लोग के ना आने से भी मेरी शादी हो जाएगी. ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है. अच्छा वो तो छोड़ो, आओ बैठो. अच्छा एक सेकंड बैग. हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम. काशी कहाँ है? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे काशी हर वक्त मेरे पास बैठा रहता है. खैर अभी तक फैक्ट्री से नहीं आया. वो तुम्हें धोखा दे रहा है. वो फैक्ट्री में नहीं है, वो इस वक्त सिद्रा के साथ है. कहाँ? अभी अभी मैंने देखा है उनको दोनों को साथ. बड़ा हंस बोल रहे थे. इतना तो मैंने कभी उसको तुम्हारे साथ भी हंसते हुए नहीं देखा. क्या करूं अम्मी मैं? तुम फौरन अपना सामान बांधो और इधर आ जाओ. मैं एक सेकंड भी तुम्हें वहां नहीं रहने दूंगी. बस जल्दी आओ. चलो भाई. अम्मी, अम्मी काशी. अस्सलाम वालेकुम अम्मी. वालेकुम अस्सलाम. मेरा बेटा जल्दी आ गया. जी अम्मी, वो दाईजी की तरफ गया था. क्या कहा उन्होंने? अम्मी वो मान गए हैं. ये तो बड़ी अच्छी खबर है बेटा. मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है. अच्छा वो क्या? वो मैं नहीं दानिया बताएगी तुम्हें. दानिया तुम कहीं जा रही हो? वहीं जा रही हूँ जहाँ मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था. दानिया बेटा क्या हुआ है, कहाँ जा रही हो तुम? बेटा तो मुझे कहिएगा नहीं आप. मैं कहती थी ना आपसे, कहती थी मैं आपसे कि समझाए काशी को, लेकिन आपको तो मैं हमेशा गलत लगती थी और ये सही. तानिया क्या बात है? अम्मी कह रही थी कि तुम मुझे कोई सरप्राइज देने वाली हो. बेटा तानिया तो सूफिया के घर जाने को तैयार थी. बेवकूफ हूँ मैं कि सबके दिए हुए जख्म भूल जाती हूँ. तानिया ये अचानक तुम्हें क्या हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था. इससे पूछिए. हर वक्त मसरूफियत का बहाना सिर्फ मेरे लिए और अपनी अय्याशियों के लिए तो बहुत वक्त है इसके पास. ज़बान को लगाम तो दानिया. बहुत रोक चुकी हूँ मैं खुद को, अब नहीं रुकूंगी. जा रही हूँ मैं यहाँ से. अगर दिल करे तो उसको इस घर में ले आना जिसके साथ अभी तुम थोड़ी देर पहले थे. ये किसकी बात कर रही है काशी? अम्मी ये सिद्रा की बात कर रही है. अरे तक गया इसे सफाई दे दे घर में. जाने दे इसे, मत रोकिएगा. निकल जाओ तुम यहाँ से. दानिया रुको. मैं नहीं रुकूंगी चाची, मैं तक आ गई हूँ इज्जत बर्दाश्त कर करके. अम्मी ने खुद इन दोनों को साथ देखा है. ओ, तो अब तुम्हें ताई जी की बातों पे ज्यादा एतबार है.
तो जाओ। जा रही हूं मैं। दानिया? अम्मी मत रो कैसे? जो करना है करने दे। काशी तुम भाग। दानिया? खुदा तुम दोनों को खुश और आबाद रखे। मैंने जुम्मे को वापस चले जाना है, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों का नकाह इससे जुम्मे को हो जाए। बोलो मंजूर है? जी मुझे मंजूर है। तुम्हारी बीवी को तो कोई एतराज नहीं होगा? नहीं नहीं उसकी तरफ से तो कोई मसला नहीं होगा। मैं उसे शादी के बाद बता दूंगा। आपा मैंने तो पहले ही सजाद को कहा था कि अगर शाइस्ता चाहें तो वो मेरे साथ इस घर में रह सकती हैं। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जब फैसले का इख्तियार मुझे दिया है तो मुझे ही करने दो फैसला। और जो तुम्हारी कपड़े की दुकान है वो किसकी है? दुकान तो किराए पर है। और तुम्हारा घर? वो मेरे नाम पर है, महविश ने देखा। देखो सज्जाद, अगर तुम्हें महविश से शादी करनी है तो ये मकान तुम्हें महविश के नाम करना होगा। जब महविश का शादी के बाद सब कुछ तुम्हारा है तो क्या तुम ये एक मकान महविश के नाम नहीं कर सकते? नहीं आपा, मुझे सज्जाद से कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। दुनिया में मोहब्बत में लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। ये एक मकान तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। आगे पीछे तो बड़े दावे करते हो कि मेरी बात तुम्हारे लिए हुक्म से कम नहीं है। तो जब मैं तुम्हें कह रही थी कि उसे रोक दो तो तुमने क्यों नहीं रोका? मैं थक गया हूं उसे वजाहत दे देकर। वैसे मुझे इस बार लग रहा था जैसे उसकी सोच बदल रही है। जानते आज मुझे एहसास हुआ कि उसकी सोच वाकई बदल गई है। मुझे लगा कि सूफिया के घर जाएगी तो सिद्रा से उसके सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। शायस्ता भाभी के फोन ने तो सब काम बिगाड़ दिया। हमेशा ऐसे ही होता है। मैं जब भी उसे कुछ समझाता हूं दाजी का फोन आता है, उसका जहन बदल देती है। लेकिन तुम्हें उसे रोकना चाहिए था बेटा। तुम्हें क्या लगता है जब वो वहां जाएगी तो शायस्ता भाभी और सज्जाद भाई को कैसे लगेगा? कर लेने दे उसे अपना शौक पूरा। अगर उसकी जिंदगी में मेरी कुछ अहमियत होगी ना तो उसे खुद पछतावा होगा अपने फैसले पे। बेटा जिस तरह से वो गई है ना, पछतावा उसे नहीं तुम्हें होगा। मैं भी काबिल एतबार नहीं उसकी नजर में। कोई उसे कुछ भी कहता है वो सच मान लेती है। उसे मेरी मोहब्बत हमेशा झूठी क्यों लगती है? बेटा इस सवाल का जवाब उससे जाके मांगो। सॉरी मैं उसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। वो अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से खुद यहां आएगी। दानिया रोना बंद करो अपना, बस चुप कर जाओ। अरे बेटा दानिया तुम बेटा कैसी हो? कब आई? बस अब अभी आई। तुम बेटा तुम रो क्यों रही हो? मैं आपको बताती हूँ, जाओ जाओ दानिया पानी लेके आओ अब्बा के लिए। मैं बताती हूँ। दानिया बेटा खैरियत? आप इतनी जल्दी आ गए। मेरी खैरियत छोड़ो, ये बताओ ये काशी के साथ आई है नहीं? आप पानी पी लें फिर मैं सब बताऊं। पानी? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्यों रो रही है मुझे बताओ, जल्दी बताओ। मैं बताती हूँ, बस पानी पी लें पहले आप। नहीं पानी को छोड़ो, मुझे बताओ ये क्यों रो रही है? दानिया बेटा इधर आओ, चलिए। क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? बेटा रो क्यों रही हो तुम? अब्बा मैं घर छोड़ के आ गई हूँ हमेशा के लिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कैसे छोड़ के आ गई तुम वो घर? क्यों? अब्बा काशी झूठा है, धोखेबाज है वो। मेरी बात सुनो, अपने शक की चिंगारी से अपना घर मत बर्बाद करो। काशी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। वो सिर्फ दिखावा करता है मोहब्बत का। अगर मोहब्बत करता होता तो सिद्रा अभी तक उसकी जिंदगी में ना होती। लेकिन उसे कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको सिद्रा के तुमने? साथ। तुमने देखा है?
उसकी आंखों में तो कब से वो धूल झोंक रहा था। तुमने सिद्रा को देखा है तो ये बात तुमने इसको बता दी? हाँ तो जाहिर है, मैं नहीं बताती तो उसकी आंखें कौन खोलता? शायस्ता, अपनी ये गलत सोच अपने हद तक महदूद रखो। काशी जैसा दामाद नसीबों वालों को मिलता है, और तुम अपनी कम अकली से अपनी बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश मत करो, समझी? हाँ तुम। लेकिन भाई दानी ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसे कैसे जा सकती है घर छोड़ के। सिद्रा ने आपको बताया कि उसकी शादी हो रही है? हाँ उसे मुझे बताया था यार, और मैं चाह रहा था कि घर आके सबसे पहले मैं उसे बताऊं, लेकिन उसे मुझे बताने का मौका कहाँ दिया? ठीक है, अगर दानिया को सिद्रा की तरफ से एतबार नहीं तो कम से कम वो आप पे तो एतबार करे ना। अब वो तब आएगी इस घर में जब उसे दिल से एतबार करना आ जाएगा मुझ पर। भाई कैसी बातें कर रहे हैं, अगर वो नादान है तो कम से कम आप तो ये बातें मत करें। जाएं उसको समझाएं और लेकर आएं, वो आ जाएगी। नहीं सूफिया, अपनी मर्जी से कहिए वो, अब मैं नहीं झुकूंगा। भाई हेलो। हाय, क्या कर रही थी? कुछ नहीं। इंसान दिल रखने के लिए बोल देता कि याद करी थी यार। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, सॉरी। इंसान को इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए कि उससे अगले का दिल टूटे। अच्छा, मैंने किसका दिल तोड़ दिया? मेरा और किसका? अब आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ इसमें। तुम्हें पता है तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी है कि तुम दिल रखने के लिए भी झूठ नहीं बोलते। अच्छा एक बात बताए, जब बार अंकल हमारे घर क्यों आए? पापा इस टाइम पे तुम्हारी तरफ है? जी मैं उनसे मिलने भी गई थी लेकिन मामानी ने मुझे बाहर भेज दिया। पता नहीं ऐसी कौन सी बात करनी है उन्हें। वो इफ्फत आंटी से लड़ने आए। क्या मतलब? भाई वो उनसे कहने आए कि ये कहाँ का इंसाफ कि उन्होंने हमारी इमारत को अपने पास संभाल के रखा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अक्सम, क्या कह रहे हैं आप? वो इफ्फत आंटी क्या क्या एहतजाज करने आए कि आखिर कब तक उनका बेटा अपनी मंगेतर से फोन पे बातें करता रहे? नहीं समझे, हमारे रिश्ते की बात करने आए। इतनी जल्दी? फिर तोड़ दिया ना दिल। यहाँ एक एक दिन गिन गिन के गुजर रहा है और तुम्हें लगता है कि अभी भी जल्दी है? पर आपने तो कहा था ना कि शादी इतनी जल्दी नहीं होगी। लेकिन उस वक्त अंकल आंटी जिंदा थे और अब तुम मेरी जिम्मेदारी। तुम कहीं मजबूरन रहो और खुश भी ना रहो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना फर्ज निभाऊं। क्या सोची हो? नहीं कुछ नहीं, जैसा आप ठीक समझे। थैंक्स, बाय। क्या हुआ सूफिया? काशी भाई और दानिया की फिर से लड़ाई हो गई सित्रा। अब क्यों? उस दिन काशी भाई तुम्हें घर ड्रॉप करने आए थे तो ताई जी ने तुम दोनों को देख लिया, सीधा जाके दानिया को बताया और दानिया गुस्से से घर छोड़कर चली गई। अजीब बात है यार, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो गलती दानिया की है, थोड़ा बहुत तो अपने दिमाग से सोचे। मैं ये मानती हूँ कि शादी से पहले मैंने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की है, लेकिन शादी के बाद मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा है सूफिया। मैं जानती हूँ सिद्रा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। सब जानते हैं कि काशी भाई इत्तेफाक से आगे और वो इसलिए तुम्हें घर ड्रॉप करके चले गए। वजह तो फिर भी मैं ही हूं ना, और अब इस मसले का हल भी मैं ही निकालूंगी। सूफिया तुम फिक्र नहीं करो, मैं दानिया को यकीन दिलाऊंगी कि मैं तो क्या काशी से उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। السلام علیکم سجاد بھائی۔ وعلیکم السلام عفت۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں تمہیں کال کروں لیکن بس ہمت ہی نہیں پڑی۔ نہیں سجاد بھائی، میں آپ کو خود کال کرنے والی تھی، بس
अक्सम के पापा आ गए तो थोड़ी देर हो गई। वो इफत, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि दानिया ने तुम्हारी बात नहीं मानी। नहीं सजाद भाई, बल्कि मैं तो खुद उसे लेने आना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि जब तक काशी नहीं जाएगा दानिया नहीं मानेगी। हाँ यही बात है, वरना मैंने तो खुद कोशिश की थी कि मैं ही उसे छोड़ कर आऊँ। आप परेशान मत हो सजाद भाई, बस दरअसल काशी को इस बात का दुख है कि दानिया ने उस पर शक किया। जानता हूँ इफ़त, काशी का खफा होना बजाय दानिया को काशी पर शक नहीं करना चाहिए था, गलत किया उसने। बस क्या करें सजाद भाई, ये बच्चे अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए कि जज्बात में उठाए हुए कदम जिंदगी को कितना मुश्किल बना देते हैं। इफ़त तुमसे बात करके मुझे बहुत तसल्ली हुई, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि जाने दानिया को उसकी गलती की माफी मिल भी सकेगी या नहीं। वो बेटी है मेरी, ये उसका घर है, और चाहे गुस्से में भी चली जाए लेकिन उसे वापस यहाँ ही आना है। बहुत शुक्रिया इफ़त, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parvaz-e Junoon is releasing this Eid al-Adha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. Beta, tum ro kyun rahi ho? Umani, aaj mama papa zinda hote to kitna khush hote na? Ho sakta hai ki iske baad phir papa tumse kabhi koi taluq hi na rakhe. Ab mujhe sirf aap se taluq rakhne ki zarurat hai, Sajjad.